आज मैं आप सबको एम्स के डॉक्टर की सच्चाई बताना चाहती हूं। ईडी ने, तिहाड़ प्रशासन ने जब एम्स के डॉक्टर्स का पक्ष रखा, तब तक उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की एम्स के किसी डॉक्टर से कंसल्टेशन नहीं करवाई थी। सबसे पहली बात, वो कोर्ट में खड़े हुए कहा कि हमने एम्स से कंसल्ट किया है, लेकिन उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को एम्स के किसी भी डायबिटोलॉजिस्ट को नहीं दिखाया। दूसरी बात, कोर्ट में यह कागज दाखिल किया तिहाड़ प्रशासन ने कि एम्स के सबसे बड़े डॉक्टरों ने, एम्स के डायबिटीज के स्पेशलिस्ट ने अरविंद केजरीवाल जी की डाइट चार्ट बताई है कि अगर वो इस डाइट चार्ट को फॉलो करेंगे तो उनको इंसुलिन की जरूरत नहीं होगी। एम्स के इस कागज के आधार पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की इंसुलिन का विरोध किया। ये डाइट चार्ट किसने बनाया? क्या ये एम्स के डायबिटोलॉजिस्ट ने बनाया? क्या ये एम्स के डायबिटीज स्पेशलिस्ट ने बनाया? नहीं। आप अगर इस डाइट चार्ट को देखने जाइए तो ये किसी डायबिटोलॉजिस्ट ने नहीं बनाया, ये मात्र एम्स के न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट, डायटेटिक्स डिपार्टमेंट से एक स्टैंडर्ड डाइट चार्ट ईडी उठा के ले आई। आप इस डाइट चार्ट को देखिए तो इस पे लिखा, ये नहीं लिखा डिपार्टमेंट ऑफ डायबिटीज, ये नहीं लिखा डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी, इसमें लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ डायटेटिक्स। और इस डाइट चार्ट पे साइन करने वाले हमें कहते हैं कि इन्होंने एम्स के टॉप डॉक्टर से कंसल्ट किया है। आप इस डाइट चार्ट को उठा के देखिए तो इस पे साइन करने वाली डॉक्टर परमीत कौर डायबिटोलॉजिस्ट नहीं है, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट नहीं है, एक डायटिशियन है। और हम सबको पता है कि डायटिशियंस एमबीबीएस डॉक्टर्स नहीं होते हैं। यहां तक कि परमीत कौर जी का अपना लिंक्डइन प्रोफाइल यह दिखाता है कि वो एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है, वो एमएससी और पीएचडी है न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स। वो जरूर सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट होंगी, वो जरूर डायटिशियन की फील्ड में क्वालिफाइड होंगी, लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल जी जिनको 30 साल से डायबिटीज है, अरविंद केजरीवाल जी जिनका शुगर लेवल 300 के ऊपर है, अरविंद केजरीवाल जी जिनका ईडी कस्टडी में शुगर लेवल 45 पे गिर गया था, क्या ये एम्स से कंसल्टेशन कर रही है ईडी? क्या ये एम्स से कंसल्टेशन कर रहा है तिहाड़ प्रशासन? तो आज जो कागज तिहाड़ प्रशासन ने और ईडी ने कोर्ट में जमा किए हैं, ये साफ साफ दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ईडी और भारतीय जनता पार्टी का तिहाड़ प्रशासन कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। और अरविंद केजरीवाल जी अपने डॉक्टर से बात ना कर सके, अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन ना मिल सके, इसके लिए पूरा षड्यंत्र रच रहा है। कोई भी डॉक्टर दिल्ली में तो क्या, देश में तो क्या, दुनिया में आपको कोई ऐसा डॉक्टर नहीं मिलेगा जो आपको कह देगा कि 300 के ऊपर का शुगर लेवल बिना इंसुलिन के इंजेक्शन से कंट्रोल हो सकता है। लेकिन कोर्ट को गुमराह करने की साजिश की जाती है, कोर्ट को एम्स के डॉक्टर्स का हवाला दिया जाता है, लेकिन कोई कंसल्टेशन नहीं हुई, कोई डायबिटोलॉजिस्ट का डाइट चार्ट नहीं आया, कोई डायबिटोलॉजिस्ट का प्रिस्क्रिप्शन नहीं आया, और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन की जरूरत है।